रांची थाना क्षेत्र में जिस प्रकार से बढ़ रहे अपराधों के ग्राफ को देखते हुए क्षेत्रीय लोग हैरान परेशान हैं। बीते एक माह के अंदर दर्जनों चाकूबाजी की घटनाएं हुई हैं, दर्जनों चोरियां, दो मर्डर से क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। लोगों का कहना है कि अब तो ऐसा लग रहा है कि रांची थाना क्षेत्र में रहना ही गुनाह के समान है। थाना क्षेत्र में रहना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। कई लोगों ने तो रांची थाना क्षेत्र को ही छोड़ दिया। बीते दिन भी एक और ऐसा ही मामला फिर से देखने को मिला, जहां रांची पुलिस की गश्त ना होने की नाकामी की वजह से शराब के नशे में धुत होकर एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आखिर कब जागेगी रांची पुलिस, ये इस क्षेत्र का बड़ा सवाल है। हम बात कर रहे हैं दो दिन पहले हुए रांची क्षेत्र के मर्डर का, जहां पूरे लॉकडाउन में मानेगा स्थित मुखर्जी चौक के पास सरकारी स्कूलों में महीनों से शराब पार्टी की जा रही है, लेकिन पुलिस गश्त ना होने की वजह से पूरे क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। इसमें हम एनालिसिस कर रहे हैं, हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं। हॉटस्पॉट से मेरा तात्पर्य ये है कि ऐसी जगह जहां दो या दो से बार ज्यादा बार जो है चाकूबाजी हो रही है, एक तो वो चिन्हित कर रहे हैं, फिर चाकूबाजों का भी रिकॉर्ड निकाल रहे हैं दो या दो से बार। अब उनको सघन रूप से जो है, जब चाकूबाजी सबसे ज्यादा होती है 10 से 12 तो थाने लाया जा रहा है। ये हम कदम उठाएंगे इस पर लगाम रखने के लिए। बाकी तुलनात्मक रूप से अगर पिछले वर्षों में तुलना किया जाए तो ऐसी कोई वृद्धि नहीं कर रही। ये हम भी इसमें हमारा भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ये कि बैकवर्ड लिंकेजेस के क्या हैं। तो अभी ऐसा कोई ट्रेंड अपने को नहीं मिला है कि कोई एक व्यक्ति सप्लाई कर रहा है या कहीं एक जगह ऐसा, तो मत ये अभी और हमारी इन्वेस्टिगेशन जांच है, उसमें हम और जारी रखेंगे कि आकाश रही है। लेकिन अमूमन अब हाल की जो घटनाएं हुई है, चाइना का चाकू का कम प्रयोग पाया जाए।